हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 20 बाई 60 फिट का हाउस प्लान। तो ये जो हाउस प्लान होने वाला है ये 1200 स्क्वायर फिट का होने वाला है, जिसके अंदर आपको 2 BHK मिलने वाला है, यानी कि 2 बेडरूम, 1 किचन और लेटरिन बाथरूम। तो ये जो प्लान है ये किस प्रकार से है कि इसकी जो आउटर वॉल है, ये वाली वॉल, ये तो है 9 इंचेस की, और जो अंदर वाली वॉल है, छोटी वाली वॉल, ये कितने की हो जाएगी? ये हो जाएगी 4.5 इंचेस की। तो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसे ही आप इसका जो मेन गेट है वो यहाँ से होगा, यानी कि प्लान की स्टार्टिंग यहाँ से होगी। ये जो है साउथ फेसिंग प्लान है। तो जैसे ही आप यहाँ से एंट्री करते हैं तो ये गेट आते हैं, मेन गेट। मेन गेट की जो चौड़ाई है वो है 8 फिट। ये यानी कि इतनी है कि इसमें आसानी से 4 व्हीलर और 2 व्हीलर, यानी कि कार और मोटरसाइकिल दोनों ही आसानी से अंदर जा सकती है। यानी कि इसमें से आसानी से आप कार और मोटरसाइकिल दोनों को पार्क कर सकते हैं। तो उसके बाद जैसे ही आप मेन गेट से अंदर आएंगे तो आपको 2 सेक्शन मिलेंगे। एक सेक्शन तो मिलेगा गार्डन का और दूसरा मिलेगा पार्किंग का। तो ये गार्डन वाला जो सेक्शन है उसका जो डायमेंशन हो जाएगी वो हो जाएगी 8 बाई 10 फिट। यानी कि 8 बाई 10 फिट का आपको क्या मिल जाएगा? गार्डन। यानी कि 80 स्क्वायर फिट का आपको मिल जाएगा गार्डन और 100 स्क्वायर फिट का आपको मिल जाएगा पार्किंग एरिया। यानी कि इस पार्किंग एरिया में 10 बाई 10 फिट में आराम से आप कार भी पार्क कर सकते हैं और 2 व्हीलर या फिर मोटरसाइकिल दोनों भी पार्क हो जाएगी एक साथ। तो जैसे ही आप इसके बाद अंदर जैसे ही आप एंटर करेंगे तो इसकी एंट्री जो है वो हमने दी है ड्राइंग रूम में से। सबसे पहले जो आता है ड्राइंग रूम आता है, यानी कि कोई भी मेहमान वेहमान आएगा तो उसको आप कहाँ पर बैठाएंगे? ड्राइंग रूम में बैठाएंगे। तो ड्राइंग रूम की जो डायमेंशन दी गई है वो दी गई है 12 फिट इंटू 15 फिट। यानी कि इसकी जो चौड़ाई है वो तो है 12 फिट और लंबाई जो है वो कितनी है? 15 फिट। तो यह बैठने के लिए, सिटिंग अरेंजमेंट के लिए सबसे पहले ड्राइंग रूम होता है, तो उसकी डायमेंशन के हिसाब से सूटेबल है, बिल्कुल एकदम सही डायमेंशन है। बहुत बड़ा आपको ड्राइंग हॉल मिल जाएंगे जिसमें आसानी से आप 10-15 लोग भी एक साथ आ जाए तो ऐसा नहीं होगा कि आपको रूम छोटा पड़ जाएगा। तो उसके बगल में ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने दी है स्टेयर केस, यानी कि सीढ़ी जिसे हम बोलते हैं। तो इसकी जो चौड़ाई है वो दी है 6 फिट में। 6 फिट इसकी चौड़ाई है, यानी कि आपको अगर किस छत पे अगर कोई सामान भी लेके जाना पड़ेगा तो ऐसा नहीं होगा कि वो दीवार से टकरा जाएगा या फिर उसमें से आएगा नहीं। तो इसमें से आप आसानी से कोई भी बड़ा सामान जो है वो भी ले जा सकते हो। तो इस हिसाब से 6 फिट की चौड़ाई जो है वो सफिशेंट है। इसमें जो चढ़ने का होगा वो इस प्रकार से होगा यहाँ से, और जो उतरने का होगा यानी कि जो फर्स्ट फ्लोर होगा यानी कि छत पे जो उतरेंगे वो कहाँ पे उतरेंगे? इस प्रकार से उतरेंगे। तो ये होगा स्टेयर केस की बात। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें हम, जो ड्राइंग रूम होगा वो डायरेक्ट कहाँ पे जाके खुलेगा? वो खुलेगा हॉल में। जो हॉल का, हॉल की डायमेंशन दी गई है वो हॉल है, हमारे को मिलेगा 10 फिट बाई 16 फिट का, यानी कि 160 स्क्वायर फिट का आपको क्या मिल जाएगा? हॉल मिल जाएगा, जो जो जिसमें यानी कि बेडरूम भी खुलेगा, किचन भी खुलेगा और ड्राइंग रूम, यानी कि सारे के सारे जो अंदर के रूम, किचन या फिर ड्राइंग रूम है वो सारे के सारे किस में खुलेंगे? हॉल के अंदर खुलेंगे। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है किसी भी प्लान का कि सारे के सारी चीज़ें जो है वो हॉल के अंदर खुलें, जिससे देखने में भी अपीरियंस जो होता है एकदम बढ़िया शानदार फीलिंग आती है। तो हॉल से लगता हुआ ही आपको दिया गया है किचन। किचन की जो डायमेंशन है वो कितनी है? 8 फिट इंटू 10 फिट, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है वो तो है 8 फिट और लंबाई कितनी है इसकी? 10 फिट है, यानी कि 80 स्क्वायर फिट का आपको मिल जाता है किचन। और उसके साथ में आपको जो अननेसेसरी सामान है जिसको आप स्टोरेज करना चाहते हैं उसके लिए आपको मिल जाता है स्टोर रूम, और स्टोर रूम का जो साइज़ है वो आपको मिलता है 5 फिट इंटू 5 फिट, 7.5 इंच, जो कि स्टोरेज पर्पज़ के लिए भी एकदम सूटेबल है। तो इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आगे आप जैसे ही देखेंगे तो आगे आपको इन दोनों से लगता हुआ यहाँ पे मिलता है आपको बेडरूम। ये बेडरूम जो है उसका साइज़ हमने दिया है 10 फिट इंटू 12 फिट, यानी कि इसकी लंबाई जो जो है वो तो है 12 फिट और चौड़ाई जो है वो कितनी है? 10 फिट है। तो ये साइज़ इतना है कि इसमें आपका एक बेड आ जाएगा, सोफ़ा लग जाएगा, ड्रेसिंग टेबल आ जाएगी, और फिर भी स्पेस चलने फिरने के लायक जो नॉर्मल स्पेस होता है वो आराम से बच जाएगा। तो ये बात हो गई बेडरूम की। ये किंग साइज़ बेडरूम है जिसे हम मास्टर बेडरूम भी बोल सकते हैं, जिससे लगता हुआ हमने दिया गया है टॉयलेट, यानी कि इसमें अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया गया है जिसकी साइज़ है 6 फिट इंटू 4 फिट, और इसमें वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए हमने गैलरी भी प्रोवाइड की है जिसकी चौड़ाई कितनी है? जिसकी चौड़ाई है 4 फिट।
तो ये बात हो गई बेडरूम की। अगर हम इसके बगल में ही देखें तो हमने यहाँ पे ये जो ड्राइंग रूम है उससे लगता, ड्राइंग रूम में जो मेहमान मेहमान आएंगे वो ऐसा तो है नहीं कि पहले बेडरूम में जाएंगे, बेडरूम में जाके इस टॉयलेट को, कॉमन जो पर्सनल टॉयलेट है उसको यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमने अलग से यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम प्रोवाइड किया है। तो ये जो टॉयलेट बाथरूम है इसमें सबसे पहले हमने दिया है ड्रेसिंग एरिया, जहाँ पे आराम से आप कपड़े चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद हमने दिया है टॉयलेट। तो इन दोनों का साइज़ जो है लगभग 6 फिट बाई 6 फिट का हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो प्लान है 20 बाई 60 फिट का ये कंप्लीट हो जाता है, जिसमें अगर हम दोबारा से बात करें तो सबसे पहले एंट्री होती है प्लान में, यहाँ से 8 फिट का गेट है, उसके बाद सबसे पहले मिल जाता है गार्डन, कितने फिट का, 8 बाई 10 फिट का, और यहाँ पे मिल जाता है आपको पार्किंग एरिया 10 बाई 10 फिट का। फिर जैसे ही आप अंदर एंट्री करते हैं तो यहाँ पे आपकी एंट्री जो होती है प्लान में वो कहाँ से होगी, ड्राइंग रूम से होगी। ड्राइंग रूम क्या होता है, यानी कि मेहमानों को बैठने के लिए जो स्पेस होता है उसे हम ड्राइंग रूम बोलते हैं, जिसे हम बैठक भी बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। तो उसका जो साइज़ हो जाएगा वो हो जाएगा 12 फिट इंटू 15 फिट, और उसके साथ लगती हुई हमने क्या प्रोवाइड की है, स्टेयर यानी कि सीढ़ी, जिससे आप छत पर जा सकते हैं। उसके बाद ड्राइंग रूम जो होगा वो आपका कहाँ पे खुलेगा, हॉल में खुलेगा। वो सारे के सारे जो अंदर के पार्ट्स है जैसे किचन, बेडरूम और ये टॉयलेट बाथरूम जो भी है, वो सारे के सारे किस में खुलेंगे, हॉल में खुलेंगे। ये इस प्लान का सबसे बेस्ट पार्ट है। तो हॉल जो है उसमें आप यहाँ पे डाइनिंग टेबल भी बैठा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है कि यानी कि किचन से आप कोई भी अगर डाइनिंग टेबल लगाएंगे तो ये सामने के सामने आपका डाइनिंग सेट भी हो जाएगा। जो आपको जो हॉल दिया है उसकी डायमेंशन है 10 फिट इंटू 16 फिट, यानी कि बहुत बड़ा आपको हॉल मिल जाएगा 160 स्क्वायर फिट का। उसके बगल में आपको मिल जाएगा किचन, किचन जो है वो उसकी साइज़ है 8 फिट इंटू 10 फिट, जो नॉर्मल किचन से तो लगभग बड़ा ही है, जिसकी साइज़ जो जिसका अगर बात करें क्षेत्रफल तो वो हो जाएगा 80 स्क्वायर फुट। और इससे लगता हुआ क्या दिया गया है, स्टोर जो 5 फिट इंटू 5 फुट 7.5 इंचज़ का है। इसके बाद बात करें आगे, तो आगे आपको दिया गया है हॉल से जैसे ही अपन आगे जाओगे तो हॉल में अटैच होता हुआ है लास्ट पोर्ट में क्या मिल जाएगा आपको, बेडरूम। बेडरूम जो है उसका साइज़ है 10 फिट इंटू 12 फिट का, यानी कि इसकी लंबाई जो है वो तो है 12 फिट और चौड़ाई कितनी है, 10 फिट है। और उसके बाद आपको इस बेडरूम से अटैच क्या मिल जाता है, टॉयलेट, जिसकी डायमेंशन है 6 फिट इंटू 4 फिट, और उसमें वेंटिलेशन के लिए क्या दी गई है, यहाँ पे दी गई है गैलरी दी गई है 4 फिट चौड़ाई की, जो कि नॉर्मली आप यहाँ पे अगर डेकोरेशन वेकोरेशन भी करना चाहे, आराम से कोई प्लांट प्लांट भी लगाना चाहे तो आसानी से लगा सकते हैं, जिससे कि पूरा वेंटिलेशन हो जाएगा। इसके बाद बात करें तो एक कॉमन लाइट बाथ भी दिया गया है प्लान में, जो कि है लगभग 6 फिट इंटू 6 फिट का, और इसके साथ ही इसमें अटैच क्या किया गया है, ड्रेसिंग का। तो ये इसमें सबसे दूसरा बेस्ट पार्ट क्या है कि इसमें ड्रेसिंग और टॉयलेट जो है वो अलग अलग दिए गए हैं, जिससे कि जो एक हाइजीन जो होता है वो प्लान में बना रहेगा। तो आई होप गाइज आपको ये 20 बाई 60 फिट का यानी कि 1200 स्क्वायर फिट का प्लान जो है वो एकदम समझ में आ गया होगा। ये 2 BHK प्लान है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।